गोविंदा एक ऐसा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का जो कि एक वक्त में इतना ज्यादा पॉपुलर था कि सिर्फ उनके नाम पर फिल्में हिट या सुपरहिट हो जाया करती थी। उनको फिल्मों में हीरो नंबर वन का भी तमगा मिला, एक खिताब मिला। उनका असर या उनका एक तरीके से कह सकते हैं इंप्रेशन इतना ज़्यादा है फिल्म इंडस्ट्री पे कि उनके टाइप की फिल्मों का एक अलग ही ट्रेंड शुरू हुआ। बड़े से बड़ा हीरो उनके जैसी ही फिल्में करने पर मजबूर हुआ, चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे वो सलमान खान हो। न सिर्फ उन्हें हीरो नंबर वन कहा जाता है बल्कि उन्हें डांसिंग लेजेंड भी कहा जाता है। कहते हैं कि डांसिंग में उनके जैसी टाइमिंग फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने दो या चार हीरोज की ही है। ये अकेले फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे हीरो थे जो सिर्फ अपनी बदन से ही डांस नहीं करते थे बल्कि अपने चेहरे से भी डांस करते थे। और कॉमेडी में तो गोविंदा का कोई टाइमिंग का जवाब ही नहीं। एक साधारण सी बड़ी ही सिंपल सी सिचुएशन को भी किस तरीके से फनी बना देना, किस तरीके से उसे कॉमिक बना देना, ये गोविंदा का एक अपना अनपैरेलल्ड आर्ट था। तो अब उन्हीं सदाबहार गोविंदा की एक बहुत अरसे के बाद एक नई फिल्म आने वाली है फ्राइडे। तो चलिए आज हम उसी का ट्रेलर देखते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रोज चैटोस को और बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज खुश तो बहुत हो गया। जो इंसान दो साल से आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़चढ़ा रहा है, आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है, आज भी वो वही खड़ा है। मैंने देखा है उस फिल्म में, बच्चों साहब अपने पापा जी के सामने खड़े होकर ऐसी बात करे थे और उन्होंने उनको महानायक बना दिया। सारी जिंदगी में एक प्योरीफायर पे टिकी हुई है, ये बेटा तुम्हें टिका नहीं तो इन्हें भी नहीं टिका। हमारे रहते तुम अनारकली से इश्क नहीं कर सकते। फाइन, आप कर लीजिए। अल्लाह अक्कू सेकू, क्या सेकू सेकू, आपकी सुनू या अपनी आंखें सेकू। और मेरा गगन तो दुनिया में सबसे अलग। आई लव यू, आई लव यू। तो तू नीचे झुक ले तो मैं पांव ऊपर ले आता हूँ। अबे और तेरे ब्रदर इन लॉ की साला और ब्रदर इन लॉ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ओए नौ रसों के विवश त्रस्त व्याकरण में उलझे हुए छंद बिना डीएनए के बाल विक्रम पिलट के बेताल तो चलता है कि मैं निकालूं यार। टोपी बनाने और झूठ बोले ना, आपको ऑस्कर मिलना चाहिए यार। पहले नेशनल तो मिल जाए। गलत बात है ना, आप एक नौकर के सामने मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? अबे कबाब में हड्डी छेद वाली छड्डी, तू आया तब से मैं तेरी इंसल्ट ही कर रहा हूँ, तेरे आप समझ में आ रहा है? जीजू आपका ना जमीर मर गया। तेरा जिंदा? हाँ ले तुम मार ले। सांस चक्कर। I don't think he's breathing. तो मुंह से सांस ले। किसी बातें कर रहे हो? आपने इसका मुंह देख के गुटखा खाता है? If you don't mind, तो दे सकते हो? खाकर। ट्रेलर तो पूरे तरीके से एक लाफ राइट है। फिल्म ट्रेलर के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक सिर्फ गोविंदा ही छाए हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कॉमेडी टाइमिंग उनकी ज़बरदस्त है, तो इस ट्रेलर में भी आपने देखा होगा एक कॉमेडी की जो पंच लाइंस हैं उसमें उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा, इसमें गोविंदा के साथ जो एक्टर है उनका नाम है वरुण शर्मा, दुनिया उन्हें फुकरे के चूचे के रूप में जानती है। उसकी भी कॉमेडी टाइमिंग ज़बरदस्त है। वो इसमें एक सेल्समैन बना है जो कि जैसे एक नॉर्मल किसी भी कंपनी में नौकरी में होता है, एक सेल्समैन अपने कंपनी के सेल्स टारगेट से परेशान रहता है, तो वो भी एक सेल्स टारगेट से परेशान है, तो शायद अपनी ही किसी कंपनी की मार्केटिंग के सिलसिले में वो गोविंदा के घर में एंट्री कर लेता है। अब वहाँ पर एक बड़ी ही फनी सिचुएशंस पैदा होती हैं जिसमें वो फंस जाता है। अच्छा, गोविंदा मेरे को लगा इसमें कि शायद एक थोड़े से क्या बोलते हैं फ्लर्टेशियस किस्म के बंदे बने हैं, जो कि उनके घर में बड़ी सुंदर बीवी तो है लेकिन फिर भी बाहर इधर उधर अपनी गर्लफ्रेंड्स बनाने की आदत से बाज नहीं आते हैं, उन्हें फ्लर्ट करने की आदत है, उन्हें थोड़ा रंगीन मिजाज किस्म के बंदे लगे मेरे को। एक से एक बढ़ के कलाकार है इसमें, संजय मिश्रा है और भी काफ़ी सारे फनी एक्टर्स हैं जो कि अपने कॉमेडी टाइमिंग के लिए बहुत ही मशहूर हैं। लेकिन इस ट्रेलर को देख के मुझे काफ़ी सारी एक जो चीज़ लगी कि मेजर पार्ट ऑफ द ट्रेलर जो था वो एक ही घर के अंदर था, तो ऐसा हो सकता है कि जो फिल्म की स्टोरी है उसका भी काफ़ी बड़ा पोर्शन एक ही घर के अंदर हो, जैसे नॉर्मली ये कॉमेडी फिल्म्स में होता है
कि एक घर के अंदर कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है, फिर वो फिल्म की स्टोरी उसी घर के अंदर चलती रहती है अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो स्टोरी आपको काफ़ी कुछ ऐसी लगेगी कि इसी थीम पर मिलती जुलती पहले भी कई सारी स्टोरीज आ चुकी हैं, लेकिन स्टोरी आप कहीं से भी ले लीजिए वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म से मिलती हुई मिल ही जाएगी। लेकिन अक्सर करके जो उस स्टोरी को दूसरों से अलग बनाता है वो होता है उसका ट्रीटमेंट, उसका किस तरीके से स्टोरी को नैरेट किया गया है, क्योंकि कहानी सेम हो सकती है लेकिन कहानी के बताने का तरीका अलग हो सकता है। अब कलाकारों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलर में जो है पूरा ज़बरदस्त तरीके से लाफ राइट है, टू टाइमिंग वाली कहानी है कि वो अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड के बीच में मैनेज करता है और लोगों को पता लग जाता है तो उनको भी उसे हैंडल करना है। तो खुद गोविंदा की इस तरीके से दो दो मूवीज आ चुकी हैं, एक साजन चले ससुराल थी जिसमें वो दो बीवियों के बीच में टाइमिंग मैनेज करते हैं, इसी तरीके से उनकी एक मूवी और आई थी जिसमें उनकी एक बीवी महिमा चौधरी और रवीना टंडन बनी थी। तो काफ़ी सारे फनी सिचुएशंस हैं इसमें। बाकी अब उम्मीद तो हम यही करते हैं कि गोविंदा की फिल्म है तो एक लाफ राइट होगी, तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उस वक्त तो मैं इसको देखने जरूर जाने वाला हूँ। फिल्म रिलीज होगी 12 अक्टूबर 2018 को। तो दोस्तों ये था मेरा फ्राइडे के बारे में मेरा ट्रेलर रिव्यू रिएक्शन। तो आपके इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आगे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।